कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। चार्टर ऑफ रेकंसिलिएशन हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दें। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है। अगर आप तैयार हैं तो इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए। क्या शाहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का पलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये एक दूसरे को मफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। साइफर एक हकीकत है। वो लोग जो मुल्क को साजिश करा के हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल भी करवाया। हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब आईनी तौर पर अपनी कार्रवाई नहीं जारी रख सकता, उन सबको रिजाइन करना है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इलेक्शन कमीशन ने शाम के वक्त एक ऐसा फैसला किया जिसने जो कोहराम था सियासत का उसमें मजीद इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यह कहना है कि हमारी 78 सीटें बनती हैं तमाम असम्बलीज में, कौमी असम्बली में 23 सीटें बनती हैं, और अब अगर ये हमें सीटें नहीं मिल रही तो ये फिर जुल्म के ऊपर जुल्म है। और मैं बड़ी हद तक ये समझता हूं कि ये वाकई ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन हो सकता है टेक्निकली ठीक हो, लेकिन मॉरली उसने ये गलत फैसला किया है, और उसे इस जमात को ये सीटें देनी चाहिए थी। इससे एक तो पोलिटिकल टेम्परेचर कम हो जाता और ये जो पोलराइजेशन है वो भी कम हो जाती, और जो एक नया क्राइसिस पैदा होगा इस फैसले के बाद शायद वो भी टल जाता। अब दो क्राइसिस पैदा होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहां पे अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है तो फिर उसके भी कुछ नतीजे हैं, और अगर वहां पे ये रिवर्स नहीं होता तो फिर उसके दूसरे नतीजे हैं। दूसरा सदारती इलेक्शन हो रहा है, और अगर ये मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती हैं, बाकी पार्टीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, तो ये इलेक्शन भी फिर क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो पहले प्राइम मिनिस्टर का एक इलेक्शन, उसके ऊपर बहुत सवाल है, फिर सदर का एक इलेक्शन भी होगा जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि एक नया आईनी बहरान है जिसे समेटने के लिए मेरा ख्याल है शायद कोई भी सियासी जमात तैयार ना हो। आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम आपको आज के इशू में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल ड्राइवर है इस सारे सिस्टम का, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर देते हैं अगले दिन वही हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्तदार में नहीं है, लेकिन इक्तदार को 5 साल चलाना आपने ही है। ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शैला रजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान बड़े दिलचस्प और नए मेहमान हैं, निसार जट साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये MNA उनके, और ये राणा सनाउल्ला साहब को हरा के फैसलाबाद से यहाँ आए हैं। तो राणा सनाउल्ला साहब इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी थी और वो वजीर दाखिला भी थे, तो अब सारा इस्लामाबाद इनको देखना चाहता है कि ये कौन है जो उनको हरा के यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए, तो इनसे भी बात करेंगे। और इकबाल जफर झगड़ा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक। शैले साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये सीट्स मिल जाती इनको तो क्या फ़र्क पड़ता? देखिए हमारा मसला तो नहीं है ना, आइन की पासदारी की बात होती है, चाहे आपकी पार्टी का आइन हो चाहे आपके मुल्क का। आपने दी हुई है कि सीटें हमें दे। अपनी बात तो कंप्लीट करने दें, मैं वैसे राइट साथ ही बता रहा हूँ आपको, नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरी बात ये है कि इनकी पार्टी का आइन था कि इनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका इंतखाब होना चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए, इनके इंतखाबात गए मामला अदालत तक, और उन्होंने कहा कि हमने इनको बल्ले का निशान नहीं दिया, छीने की बात नहीं, तो नहीं तो दिया, क्योंकि अब जब उनके निशान ही चला गया तो खवातीन किस तरह आएंगे? अब उनकी पार्टी ही नहीं रही, PTI ही नहीं है इसमें, आपकी नेशनल असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन वो भी इंडिपेंडेंट ही शायद कुछ इस तरह से लड़े, उनके भी खवातीन नहीं है, तो अब हमने खवातीन की सीट तो पूरी करनी है ना, तो ये अब इनका अपने मसाइल थे, इनके अपने मसाइल से शुरू हुए। ज्यादती हैं एक पार्टी के साथ ज्यादती हैं, दूसरा खवातीन के साथ ज्यादती हैं ना, क्योंकि अब ये खवातीन आप नामजद करेंगी वो हो जाएंगे MNA, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डीसीट करेगी जब, तो उसके बाद फिर एक क्राइसिस पैदा होगा, वो भी है। और हमने मामला इलेक्शन कमीशन में रखा है, वहां भी कानूनदान बैठे हैं, और वहां पे भी जब हमने असेंबली की सीट्स को पूरा करना है, जब ये पार्टी थे इनको मालूम था
کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا آئین بنایا ہے, اس پہ چلنا چاہیے ورنہ انہیں آگے نقصان ہوگا, ان سے چھینا جا سکتا ہے پارٹی سمبل. تو انہوں نے نقصان کو خود دعوت دی ہے. اسی طرح جیسے اپنی اسمبلیز ڈیزولو کر کر آپ لوگوں کا نیریٹو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 104 جو ہے وہ اس کی جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح ہوگا, جبکہ آئین اس سے زیادہ سپریم ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ اس کی مخصوص سیٹیں اس کو ملنی چاہیے, اور اگر آپ نے حق سیاسی جماعت انڈیپینڈنٹس کا کلسٹر بڑی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ, آپ ان کو اتحاد کا آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم تو دعوت دیں گے اور کھلے عام دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ یہ فرمائیے گا آپ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کر لیتے, آپ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتے جس کی سیٹیں ہوتی, یا پہلے آپ فیصلہ کر لیتے الیکشن سے پہلے اور سنی اتحاد کونسل کو الیکشن لڑوا لیتے, تو یا ان سے کوئی آپ فہرست مرتب کروا لیتے الیکشن کمیشن میں دے دیتے, تو آپ اتنے جلدی جلدی فیصلے کرتے رہے جس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو. سب سے پہلے تو چو صاحب آپ کا شکریہ. پہلے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کون سی ایسی سیاسی پارٹی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں جس نے الیکشن کروائے ہوں؟ ہاں جی, انٹرا پارٹی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن سو کارڈ جیسے بھی انہوں نے کروائے ہوئے انہوں نے, آپ بھی ویسے کر لیتے ایشو. سو کارڈ تو پھر اگر سو کارڈ کی بات ہے تو پھر یہاں پر ہم نے بھی الیکشن کروائے. نہیں نہیں, آپ نے نہیں کروائے, آپ نے تو سارے, ہم نے بھی ویسے ہی کروائے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹری اپنا پارلیمنٹرین نے کرائے پاکستان پیپل پارٹی سے, ٹھیک ہے جی, پی ایم ایل این کے اسی پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کر کے نواز شریف کو بنا دیا گیا. تو ایسا کچھ نہیں, ہمیں وکٹمائز کیا گیا, ہمارا نشان ہم سے چھینا گیا. لیکن آپ سپریم کورٹ تک گئے نا سر, تو ہم کسی جگہ آپ ثابت نہیں کر سکے, نہ سپریم کورٹ کو قائل کر سکے, نہ الیکشن کمیشن کو قائل کر سکے. ہم نے ہر فورم پہ اپنی فائٹ کی, ہم دوبارہ اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے دوبارہ اپنا رائٹ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کریں گے. اس کے بعد ہمارا نشان چھیننے کے بعد ہم انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن لڑے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے الیکشن میں بلے باز کا نشان ہم نے لیا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو کیسے پریس کانفرنس کرائی گئی, یہ پوری دنیا پورے پاکستان کو پتا ہے. اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن میں گئے, آرٹیکل 51(106) کے تحت, ٹھیک ہے جی, آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. دیکھیں وہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اخلاقاً یہ سیٹیں آپ کو ملنی چاہیے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ لاک آؤٹ ہو رہے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ 2018 میں کے پی کے میں باپ پارٹی کو نہیں ملی, انہیں کو پنجاب میں 2018 میں پی ٹی آئی کو نہیں ملی. ملی تو نہ لیتے نا آپ, نہ لینے والی کون سی بات ہے, باپ آپ کے ساتھ تھے انہی گراؤنڈز پہ اور پی ٹی آئی خود تھے انہی گراؤنڈز پہ. اگر آج ہم اپنی سیٹس پوزیشن مختلف ہے, آپ پہلے اس سائیڈ پہ تھے آج یہ اس سائیڈ پہ, مطلب اس کا مطلب ہے کہ آج اس سائیڈ پہ ہیں, آج آپ اکیلے ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں یا ہم آج ایوان کے دوسری طرف بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئین سے اور قانون سے ہم, یہ 2018 میں آپ کو سوچنا چاہیے تھا جب آپ گورنمنٹ میں تھے, یہ سارے جیل میں تھے, جب آپ کی وجہ سے جیل میں ہمیں ملے نا, ہمیں ملی, ابھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. یہ دیکھیں آئین ہمیں الاؤ کرتا ہے, آئین کے مطابق ہمیں ملے. صاحب وہ کچھ کہنا چاہتی, پھر میں جھگڑا صاحب کے پاس جاؤں. پروسیجر میں کوئی تھی تو آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ آئین کی وائلیشن آج ہوئی ہے. ہماری بہن ہے, بڑی محترم ہے, اور ہم ان کی جماعت کا ان کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ دے آر دا فاؤنڈرز آف دا کانسٹیٹیوشن, ان کو اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ یہ وہاں پر جا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں. مجھے یہ ایک بات بتا دیں, آئین کی کوئی ایک ایسی لائن ہماری بہن جھگڑا صاحب بتا دیں کہ جس طرح انہوں نے فیصلہ اسی پہ نے کیا کہ یہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائے, وہ تقسیم نہیں ہے, ظاہر ہے لوٹ کا مال نہیں ہے کہ سب میں تقسیم کر دیا جائے. چلے صاحب, ایک بات کہوں گی, انہوں نے دوسری پارٹیز کے الیکشن پہ بات کی, آپ کے جو لائرز تھے ان کو پورا ٹائم دیا گیا, وہ نہیں ثابت کر سکے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے آئین کے خلاف ورزی کیوں کی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پارٹی کا آئین کے خلاف ورزی مار آپ نے وہیں پہ کھائی تھی, جو آپ کا اپنا آئین تھا نا پارٹی کا, جو ویب سائٹ کے اوپر تھا, جہاں سے مار پڑ رہی ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جب سمبل نہیں رہتا تو پارٹی, آپ مطلب بڑا واضح ہے یہ سب آئین میں, سمبل نہیں رہا تو پھر ہمیں الیکشن لڑنے دیا جاتا.
नहीं देखें, आपने इसके बावजूद इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन 270 इंतखाबी निशानों के हरा के आए और कहते हैं बेईमानी। हमारे देखें, मैं बेईमानी के अगर मैं अगर जीत कर आया हूं तो जो 60 से ज्यादा की सीटें हमारी फार्म 45 हमारे पास मौजूद है, फार्म 40 फार्म 47 जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की है ना, आपको चाहिए था पूरी पार्टी आपकी वो टेक्निक इस्तेमाल कर दे। नहीं, फॉर्म 45 2018 में हमें नहीं मिले थे, चेयरमैन लियारी से 5 दिन बाद उसका जो है रिजल्ट दिया था, आज तक फॉर्म 45 पूरे नहीं है। तो जब हमारे साथ हो तो वाह 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 वाह, और जब आपके साथ हो तो हुई अल्लाह, ऐसे नहीं। जरा सा ये फरमाइएगा सर, ये आप पुराने पार्लियामेंटेरियन है, मेरा ख्याल है इस वक्त अगर आप फराख दिली का मुजाहरा करते पहले तो आपको चाहिए था कि आप गवर्नमेंट ना बनाते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देते कि गवर्नमेंट बनाते वो। दूसरी बात यह है कि मखसूस सीटों पर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन जाके उनसे यह दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी कि जी इनका हक आप हमें दे दें। यह मेरा ख्याल है आपको बड़ा दिल करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए था, बजाय इसके कि अब आप मखसूस सीटें लेके बैठ जाएंगे, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे उनको। शुक्रिया जी। देखें, शुरू में ही आपने जो बात की वो आपने खुद भी कहा कि ये जो कुछ आज इलेक्शन कमीशन ने किया है तो टेक्निकली तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन मॉरली जो है वो ठीक नहीं है। अब बात यह है कि ठीक है, मॉरलिटी अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता कि मॉरलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां टेक्निकल बात आ जाती है, आइन की बात आ जाती है, कानून की बात आ जाती है, तो फिर मॉरलिटी उसी में है कि आप जो आइन और कानून है उसको फॉलो करें, वो आपको मॉरलिटी बाकायदा ये सबक देती है कि आपने जो आपका मुल्क का आइन और कानून है उसके मुताबिक चलना है। तो इसमें तो बड़ा ऑब्वियसली आज जो उन्होंने बात की है उसने यही टेक्निकल ग्राउंड्स पे की है, अब मॉरल ग्राउंड्स पे इसकी होगी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जहां टेक्निकल ग्राउंड मैंने पहले भी कह दिया आपको कि आ जाए तो फिर मॉरलिटी जो है उसको आप थोड़ी देर के लिए फॉरगो करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने जो पूछी थी वो क्या रिपीट करें इलेक्शन मैं करता हूं, लेकिन इसमें ना झगड़ा सा इशू ये है कि आपका जो अपना केस था ना, जो अकामा पे मियां नवाशी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था या पनामा का फैसला था, वो टेक्निकली ठीक था, मॉरली ठीक नहीं था। आज भी आप वहां पे मोरालिटी पे स्टैंड लेते हैं, आप टेक्निकल चीजों पर स्टैंड नहीं लेते आप, और यहां पे भी टेक्निकली ये चीज ठीक है लेकिन मॉरली गलत है, यहां पे आप कह रहे हैं टेक्निकल ठीक है, तो सर पहले आप अपना फैसला भी देखें फिर ये फैसला भी देखें। नहीं जी, हमने 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 तो उस केस में भी ये नहीं कहा कि वो टेक्निकली जो है तो वो फैसला ठीक था, टेक्निकली ठीक नहीं था वो। देखिए ना, वो जो तनख्वाह वाली बात है वो तो अब हाईएस्ट कोर्ट्स में भी डिस्कस हो चुका है कि ये गलत वो था और ये नहीं होना चाहिए था, उस पर तो आप अभी बहस कर ही नहीं सकते कि वो जो फैसला था वो ठीक था या मॉरली ठीक था या टेक्निकली ठीक था। नहीं, वो तो अल्लाह के करम से ये साबित हो चुका है कि वो टेक्निकली भी गलत था और मॉरली भी वो गलत है कि वो अब देखें ना, अल्लाह के करम से अगर झगड़ा साहब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सच साबित हो जाते हैं, ये वहां पे विन कर लेते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? फिर आपको वो खवातीन जो मखसूस से आप बिठा चुके होंगे आपको उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा असेंबली से, फिर अदालत के फैसले को मानना पड़ता है। देखें जी जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात आ जाती है, मैंने आपको कहा आईन और कानून की बात आ जाती है, PMLN इज वन ऑफ दोज पार्टीज और मियां नवाज शरीफ का मौकफ है कि अगर आईन कानून और सुप्रीम कोर्ट हमारे हाई कोर्ट की एक बात आ जाए, अगर वो गलत भी हो तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे बल्कि तरीके से उनको एक अपना वो पेश करेंगे मौकफ के जी इसको रिकंसिडर करें। तो वो जो है इंशाल्लाह अगर वो सुप्रीम कोर्ट वो कहती है कि वो ठीक है उनका स्टैंड और वो होना चाहिए तो वी विल डेफिनेटली गो डाउन टू दैट और हम कहेंगे ठीक है उन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल ठीक है साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, खास कर आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सब आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा सिंपल सवाल है कि ये जो आपने माहौल खराब किया हुआ इतना ज्यादा सारी असेंबलीज के अंदर, ये अगर माहौल चलता रहा तो ये पूरा सिस्टम ही क्लैप्स कर जाएगा और आप इसके जिम्मेदार होंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद निसार साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो माहौल है कौमी असम्बली का माहौल, कि अब जिसने भी तकरीर करनी होती है ना वो ऊपर एयरफोन लगा के कान अपने बंद करके वो तकरीर करता है, और अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं असम्बली को, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है असम्बली के अंदर देख लें, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो सिंध के अंदर जो कुछ करना चाह रहे हैं बलोचिस्तान में, इसका मतलब ये आप नहीं चाहते ये सिस्टम चले, तो जब आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे तो ये सब चीज हर चीज क्लैप्स कर जाएगी। फिर जावेद जो साहब मुझे अपना थोड़ा सा टाइम देना है, मैं पहले पंजाब से शुरू करता हूँ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, आई वॉज देयर दैट टाइम। अपोजिशन लीडर जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट राणा आफताब अहमद खान साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर साहब से इजाजत मांगी, स्पीकर साहब ने कहा कि सॉरी मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, उन्होंने टोकन वॉकआउट कर दिया। तो क्या जरूरत थी क्योंकि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने जा रहा है और हमारी रिजर्व सीट्स का इश्यू पेंडिंग है, फॉर्म 45 के मामले हमारे जो है वो पेंडिंग है, हमारा राइट बनता है बात करना, उन्हें मौका नहीं दिया गया। और उसी मौके पर मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने माइक दे दिया, मतलब कि एक ही फोरम पे आप मुतनाजा हो गए। और फिर सबसे बड़ी उन्होंने जो हरकत की, उन्होंने बेल बजाकर अपोजिशन वॉकआउट पे है, डोर क्लोज करके वन साइडेड इलेक्शन करा दिया। और फिर आप तवक्का करते हैं कि अपोजिशन जो है वो बेंचेस पे बैठकर शोर शराबा या आपके लिए रुकावट। अल्टीमेटली सर फिर भी आपको सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। अभी देखे इलेक्शन कमीशन आपके वाला फैसला किया, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, मेरी बात सुने, तो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं ना, सुने, हमने स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवाया, हुआ नेशनल असेंबली में, हमने कॉन्टेस्ट किया, अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट दिया, वोटिंग हुई, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ हमने, लेकिन दोनों इलेक्शन में हमारा एक ही मुतालबा था कि फॉर्म 47 के जो वहां पर चोर डकैत बैठे हैं उनका आपने क्या कौमी असेंबली में फैसला नहीं हो सके, ठीक है जी, ये ट्रिब्यूनल्स में होगा, हमारा फोरम कोर्ट्स में होगा, हमारा फोरम है बात करने का, हमारा फोरम है बात करने का। फिर उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन सर बात करें, दूसरों को भी कर रहे थे, लड़ाई बंद कर रही है, हमने किसी सूरत भी हाउस के प्रोसेस को नहीं रोका। अगर आप ये समझते हैं कि हम हाउस की कंटिन्यूटी को रोक रहे हैं, हमने नहीं रोका प्रोटेस्ट, जब इलीगल चीज, आज बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की, हमने बिल्कुल उनको मौका फराहम किया, आवाजें आ रही थी पीछे, ऐसी कोई बात, और अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी लोग खड़े होने पड़े, बात की खवातीन भी खड़ी हुई साथ उनके। मैं आपको बताता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की, अगर किसी एमएनए ने बात की तो हमारे लीडर ने फौरन उठकर उसे मना किया, उसी दरमियान बिलावल भुट्टो साहब ने हु द हेल यू आर कहकर और पूरी तंग करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना जी, इस तरह नहीं, इस तरह तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड लेके आ करेंगे, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए, ये वैसे बढ़ाना चाहिए। बात करने में इनके भी टेक्निकल पॉइंट्स निकालती हूं, कोई भी जितना बड़ा लीडर हो उसको जब भी बात करनी है विद द परमिशन ऑफ चेयर करनी है, और स्पीकर, स्पीकर है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, 4 दिन से, कि मुस्तकिल स्पीकर को भी चैलेंज किया जा रहा है। अगर आपके नुमाइंदे लॉयर्स भी हैं और मेंबर्स भी हैं तो वो जूते दिखाएंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो 90 और 91। और एक बड़ी शर्म की बात है, आप वैसे तो खवातीन का माशरे में एहतराम हमें पता ही चलता है कितना है, आप सिर्फ रिश्तों का एहतराम करते हैं। जरूरी है कि आप जब शहबाज नवाज शरीफ साहब को कुछ कहें तो आप उनकी बेटी का नाम लेके कहें कि मरियम के पापा ये हैं, इतनी गलत बात है, कोई तमीज होती है, कोई वो कह रहे हैं तो ये जवाब नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए अगर उन्होंने गलत बात की, एक गलत बात जो है एक गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात नहीं होती। केपी मेयर खातून के साथ अगर छेड़ेंगे नहीं तो फिर पहले आप लोग ने लगाए हैं, पहले आप लोग ने लगाए हैं केपी असेंबली में आपका मैंडेट चोरी हुआ है, केपी में आपका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, केपी के ठीक है जो चैलेंज थे इलेक्शन कमीशन। देखिए जावेद साहब मैं बात करूंगी, असेंबली नहीं है कि ये बात करने में बहुत शोर करूंगी। इलेक्शन कमीशन में इनके सिर्फ 35 एप्लीकेशंस हैं उन्होंने दिए, ठीक है, कहाँ कौन सा मैंडेट, पहले भी 35 पंक्चर थे, बाद में का किसी ने मुझे कान में कह दिया था, पहले भी 4 सीटें थी जो कभी इनकी ना हुई, तो मेरा कहना इस बार फॉर्म 45 इनके पास ज्यादा, तो हमारे पास भी नहीं थे 2018 में, कौन सी ऐसी बात है, टैट हो रहा है जी, आपके साथ हुआ तो आपके साथ तो नहीं देने थे ना। अच्छा मैं एक बात पूछती हूँ, केपी में अकेली खातून है उसके साथ क्या नहीं हो रहा, वो जाते
वहाँ पे कौन अली अमीन गड्डाफर साहब को या वहाँ पे कौन रोकना चाहिए खातून की उनको जिस तरह गालियां दी जा रही थी वैसे नाकाबिले ये तरीका थोड़ी है। ये आप अभी मेरे साथ इनके डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा हम इस पार्लियामेंट को मानते नहीं, हम लेजिस्लेशन के लिए नहीं आए। भाई जब आप पार्लियामेंट को नहीं मानते तो आप हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे नहीं मानते? एहतजाजन कर रहे हैं ना, तो एहतजाज का जो फोरम है वहां पे आप एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। मतलब वाहन कैसे चलेगा? अभी तीन दिन हुए हैं, हमने तीन दिन हुए हैं, हमें भी मालूम है। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड लेके आना पड़ेगा आज? नहीं, हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है। हमने बहुत बुरे हालात में सिंध में भी चलाया है। और देखें, बात यह है जो आपने ये लिखी बात कि ये बात जो की जा रही है बार बार के फॉर्म 45 और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से है ना, हमें नहीं मालूम कि अब्दुल हकीम बलोच की जो रिकाउंटिंग हुई वो कितने दिनों में हुई और जब वो जीतने लगे तो पैक कर दिया गया 2018 में। इसी तरह फहमीदा मिर्जा वाली सीट पे हुआ, इसी तरह जो है वो फैसल सोले पे हुआ। तो आप जब कर रहे थे तो सब अच्छा था। आज चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं कोट इन कोट बात कर रहा हूं कि मैं यही स्पीच कर रहा था जब मैं उधर खड़ा हुआ था जहां आज आप खड़े हुए कि मेरे फॉर्म 45 तो आप मजाक उड़ा रहे थे। तो आप बदला लेने के लिए हैं? हमने तो नहीं लिया ना, हमने तो नहीं लिया ना। हम तो ये इनसे कह रहे हैं कि अवाम ने जितना आपको मैंडेट दिया है और उसमें शुक्र अदा करें। नहीं, शुक्र अच्छे बच्चे बन के बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अवाम ने हमें यहाँ भेजा है कि हम यहाँ पर उनके लिए कुछ करें। आप अपने जितने मैंडेट के साथ हैं आइए, जहाँ आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करना है इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल जाना चाहिए, ये बात है, ये राइट फोरम पे जाए, जूते दिखाए, शोर करें राइट फोरम पे। बिल्कुल जगह साहब असेंबली इस तरह कैसे चलेगी? और अगर इस तरह चल नहीं सकेगी तो फिर कानून साजी कैसे होगी? और अगर कानून साजी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा फिर? शुक्रिया जी। देखिए जी, मेरी बहन शैला बीवी ने बहुत आपसे तफसील में बताया आपको। आपने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड, देखिए जी, सिक्योरिटी गार्ड्स की अल्लाह के करम से हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमने जब कह दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो उसमें जरूरत आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की और असले की जरूरत नहीं पड़ती। हम इंशाल्लाह आईन और कानून के बलबूते पर फाइट करेंगे और जो भी सही रास्ता होगा वो अपनाएंगे, हमेशा किया है हमने। अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून ने आज नहीं के पहली दफा ही है हुकूमत में या कामयाबी हासिल की है। ये देखें, पहले भी 3 बार आप देख चुके हैं और जो कुछ उन्होंने किया है हमारे जमात ने इन 3 अदवार में, कोई ये नहीं साबित कर सकता कि हमने कोई गैर आईनी बात की हो या काम किया हो। जो भी बात हुई है आईन और कानून के मुताबिक हुई है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया गया है, बल्कि दूसरी जमातों को। जगह साहब, ये वैसे पहला इलेक्शन है जिसपे सारी सियासी जमातें कह रही हैं धांधली हुई है। आपने भी एप्लीकेशन दी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की और बाकी आपके कई हलकों की एप्लीकेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पर एहतजाज करने लगे हैं, महमूद अचकज़ई साहब सड़कों पर एहतजाज करने लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से एहतजाज कर रही है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं, कोई एक पार्टी तो आप बताएं जिसने कहा जी बड़ा जबरदस्त किस्म का इलेक्शन हुआ। 2018 में भी यही था सीधा सबको उस पर, ये तो कह रहे थे ठीक ही हुआ। बिल्कुल, जो कह रही है हम इससे पहले भी गुजरे हैं, 2018 में भी गुजरे हैं हम। ये चीज ये पहली दफा नहीं हुई। 2018 की जो सिचुएशन थी वो भी बड़ी सीरियस सिचुएशन थी। लेकिन ये देखें, ये मत कहें कि ये जो कुछ हो गया है इसके बाद ये असेंबली नहीं चल सकती या पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर खुदा ना खासा जो है चलती रहेगी सर इसी तरह। लेकिन कानून कैसे पास करेंगे वहां पे सर, वो तो अंदाजा लगाएं। इतनी ज्यादा शोर होगा, पोलराइजेशन, सिंपल मेजोरिटी, वैसे शैला साहब कह रही कर लें सिंपल मेजोरिटी से कानून पास हो जाए। आप ये बात, हमारे पास कानून है, कानून पास होगा। ये आप देख लें कि जो जमातें कह रही हैं कि इसमें ये हुआ है वो हुआ है, वो भी इस पे बिल्कुल मुतफिक हैं कि हमने अगर इस मुल्क में जमहूरियत को कायम रखना है तो कानून साजी और पार्लियामेंट के अंदर हमें
जरा अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। ये उनकी क़यादत की मीटिंग्स में हो चुकी है इसमें, और ये मीडिया पर भी आ चुका है। जरा सा मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन सवाल फिर वही है कि इसके लिए आपको इमरान खान साहब को राजी करना पड़ेगा। आप राजी नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सिस्टम इसी तरह रहेगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। चले साहबा, वैसे सबसे बेहतर और आइडियल सिचुएशन ये है कि आप इमरान खान साहब के साथ डायलॉग करें, जिस तरह आज भी बिलावल भुट्टो साहब बार बार कह रहे थे कि आए हमारे साथ बैठें। वो शुरू से ये कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप इनको अपने साथ बिठाएं, बैठेंगे तो फिर ये सिस्टम चल सकेगा। देखिए, 2018 में इससे ज्यादा लोगों को कंप्लेंट्स थी। मौलाना साहब आज तो एहतजाज की बात करें, उस वक्त आने को तैयार नहीं थे। हमने मनाया था और हमने उस वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब हुई थी तो ये लोग उसको पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। आज भी जो है हम चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। अगर वो उसी फलसफे पे हैं कि उनके अलावा सब चोर डाकू तो वो तो यही कह रहे हैं। अगर वो कहते रहेंगे तो हम भी असेंबली चलाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनके लोग खुद चाहते हैं 9 मई हो तो गंडापुर साहब ने कहा उसकी अदालती तहकीकात हो। और जहां तक बात है तो हमने तो हाउस चलाना है और इस पार्लियामेंट के लिए हमारे लीडर्स ने जाने दिए और ये चलेगा हाउस। ये अगर किसी की ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट को ताले लग जाएं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं कि हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं और करेंगे, और बाकी मर्जी है। अगर अनरेस्ट करना है तो उनको हम देखेंगे कि असेंबली में वो क्या करते हैं। हम हर तरीके से असेंबली के डेकोरम को मेंटेन करेंगे और हिफाजत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वैसे जट साहब, वैसे आइडियल सूरत यही है कि आप इनके साथ बैठें, लेकिन बैठना कहाँ है? आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ओर टेकिंग में नहीं आए। 3 वज़राला आए और उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो फेडरल के जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं उनकी तकरीब में शामिल हो सके। तो जब आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं तो फिर मामला कैसे चलेंगे आगे? जट साहब, इलेक्शन से पहले ही जो ज्यादतियां हुई पूरे पाकिस्तान को पता है। सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, सर तारीख भरी पड़ी है। आप तो सुने ना, इस तरह फिर आप कैसे कहते हैं कि इसका मतलब है कि सारे, अगर सबको शिकायत है, सब ने ये सबको ये कि ये इलेक्शन फेयर, लेकिन इसके बावजूद साथ बैठे हुए हैं सब। इस तरह नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं। आइन की रूह से हमने अपनी सीटें मांगी। किस आइन के तहत यह सीटें दूसरी जमातों को दी जा रही है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, मेरी बात सुने, कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्म 47 का चोर शहबाज शरीफ भी है, फॉर्म 47 का चोर नवाज शरीफ भी है। हमने PMLN के किसी भी लीडर को हाउस में नहीं बोलने देना। ये क्या बात हम है? रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे। ओ सर, ये फिर नहीं सिस्टम चल सकेगा यार। जाट साहब, ये क्या चल सकेगा? सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना होगा। आए नवाज, ट्रांसपेरेंट करने, यानी आपको 180 सीटें देने ट्रांसपेरेंट करें ना। आए प्राइम मिनिस्टर, आपने खुद ही फैसला कर लिया हमारी 180 सीटें। बिलावल भुट्टो साहब आए, करें अनाउंसमेंट कि आए जी, जो फॉर्म 47 545 की चोरी हुई है, हम आपके साथ खड़े होकर आप बैठेंगे तो इसका कमीशन बन सके। हम रोज बैठकर यही तो चीखो पुकार करें कि हमारी बात सुनी जाए। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, क्या हमारे पास हाल है कि हम बगैर एहतजाज के वहां पर बात कर लें? हम तो, हमारा तो आज भी मौकफ है। मैं जिस दिन स्पीच करूंगा, मैं सबसे पहले आइन के रखवाले बिलावल भुट्टो से ये कहूंगा कि आए मैदान मारे, आए फॉर्म 47। आपके साथ बेईमानी तो नहीं हुई ना? है जी, आपके साथ तो बेईमानी नहीं हुई ना? मैं आपको, क्यों नहीं हुई? धांधली हुई। मैं बताता हूँ आपके साथ भी धांधली हुई। बताता हूँ आपको, धांधली के बावजूद जीत गया। ये भाई जान, ये टेलीफोन है हमारे पास, तो फोन अंदर लेके चले गए। टेलीफोन है हमारे पास, हमारे पास एक एक उस एंटी करप्शन के ऑफिसर की, हमारे पास पुलिस की, हमारे पास एक एक ऐसे जो हमारे खिलाफ साजिश करते रहे। NRO अपना RO के ऑफिस में हमारे साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई। सर आप जीते हुए हैं, जैसा हम जिस तरह जीते हैं हमें पता है। तो कैसे जीते हैं? हम जिस तरह जीते हैं हमें पता है। हमारे रिजल्ट को, नतायज को रोकने की पूरी कोशिश की। रात को आज जीते, अगले दिन शाम तक वहां पर हमारे डब्बों को उठाने की साजिशें होती रही है। तो आप डब्बों के साथ बैठे रहे? हमारे हल्के की इमाम बैठी रही है, हमारे वकला बैठे रहे, हमने पूरा पैरा देकर ये रिजल्ट दिया। तो आप बाकी सबको भी समझा लेते ना कि भाई इस तरह पैरा देना है? तो कोई नहीं,
एक निसार जेट प्लान बनता है, अगर निसार जेट कैसे तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के एमएनएस को चाहिए कि डांस छोटा उठा के वहां पर पहुंच जाए। तो आप डांस छोटा लेके चले, बिल्कुल हम डांस छोटे के साथ रिजल्ट अपना लेकर आए, बिल्कुल हम डांस होते देखे मैडम। वैसे भाई को एक 2018 में सारे पोलिंग एजेंट्स हमारे निकाल दिए गए, 2018 से आगे आए जी, 2024 आए हैं, तो ये असेंबली आगे आए हैं, हम आगे आए हैं उस असेंबली में बैठे हैं, तो हम यहाँ तक पहुंचे ना, हम आगे आए उससे, हमने कहा कदम बढ़ाओ इमरान, हम भाई से ये बात पूछना चाहता हूं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम आगे आए, हमने उसको कबूल किया कि जैसा भी है वरना ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगी, और इन्होंने की कोशिशें, एक डिसॉल्व, दूसरी डिसॉल्व, तीसरी डिसॉल्व, तो हमें तो पोलिंग एजेंट्स भी हमारे निकाल दिए गए थे, हमारे 5-5 दिन रिजल्ट नहीं आए थे। तो भाई हम तो आपको दावत दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो आपको दावत दे रहे हैं, आइए हम अपने साथ बैठते हैं, और ये जो इलेक्शन के ऊपर हम इलेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, आपने खुद भी नहीं की कोई कानून साजी, अब हम करेंगे, और हम चाहते हैं वैसे जज साहब अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कर लेते ना आप सर, तो आज आप प्राइम मिनिस्टर होते जज साहब। भाईजान ईवीएम हम लेकर आए थे, ये लोग छोड़ाने वाले, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन तो आप लोगों ने क्रिएट किया, आज आप हमें वैसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना लेते अच्छा नहीं था सर, हम हमारे लीडरशिप ने हमें नहीं इजाजत दी कि आपने इनके साथ बैठना है, तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि इस हाउस में रहकर ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, अगर आप इनके साथ ऐवान में सीटें शेयर कर सकते हैं तो इख्तदार क्यों नहीं शेयर कर सकते भाई, हमने कौन सी सीटें शेयर की हैं, कौमी असेंबली के अंदर बैठे हुए ना आप, गवर्नमेंट में बैठना ना बैठना ये तो हमारी मर्जी है ना जी, हमने किस जमात के साथ बैठना है, हम ये समझते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसी फोरम पर आपको बता रहा हूं, नून लीग को हम जमात समझ ही नहीं रहे, चलो जी, क्योंकि उन्होंने तो हमारे साथ अच्छा भाई झगड़ा साहब के पास जाने दे, झगड़ा साहब मैंने बात सुने, एक मिनट बात सुने, पीपल्स पार्टी के ऊपर है जिम्मेदारी, देखिए जी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इनके ऊपर बहुत बड़ी, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, इनको किरदार अदा करना होगा, और ये तो आपको कह रहे थे, नहीं कह रहे थे कि गवर्नमेंट बनाया भाई साहब, वो आज भी कह रहे हैं, वो आज भी बिलावल साहब ने यकीन किया, उनको इससे पहले उनको ये कहना चाहिए था कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 का ब्रेक लेते, ब्रेक जगह साहब आपकी तरफ आना, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक है, दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी झगड़ा साहब, वो बड़ा सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम आपको पार्टी नहीं मानते, तो चले चला ले आप सिस्टम आप जी, देखे ना ये कितने अफसोस की बात है, ये मेरे भाई जो हैं माशाल्लाह मैं बहुत एहतराम से उनका वो करने के लिए तैयार हूँ बात करने के लिए, देखे ये कहते हैं हम उसको जमात मानते नहीं है, भाई आप माने या ना माने पूरा मुल्क उसको जमात मानता है, और पूरा मुल्क कहता है कि 3 दफा तो वो हुकूमत कर चुके हैं, और वाहिद जमात है जिसने जो काम किए हैं वो छुपने वाले नहीं हैं, और आप वो कहते हैं कि ये जमात नहीं है, ये देखें इन बातों से आपकी जो हो रहा है, ये एक और बात बताऊं, आज ही मुझे इस्लामाबाद में पता चला कि एक इनके जगह पर 7 सीटें थी, 7 इन्होंने जीती हैं, ये आवाज आ रही है आपको जी, ठीक है आ रही है आपको, मेरा ख्याल फैसलाबाद से सारी सीटें जीत ली हैं, पूरा फैसलाबाद सातों सीटें इन्होंने जीती हैं, और कहते हैं यहाँ धांधली हुई है, अब मुझे बताएं कि जीतने के बाद भी ये कहते हैं धांधली हुई है, फिर धांधली आपने की वहां पे रिजल्ट का पैरा दिया उन्होंने नहीं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि धांधली हुई है, देखे ना जीतने के बाद भी आप कहते हैं धांधली हुई है, क्या तुम धांधली हुई है, तो बिल्कुल आपने सीटें अगर आपने जीती हैं तो धांधली से जीती है ना, बात वैसे ठीक है शाला साहब, देखिए जी ये वाजे तौर पर इनको किया, और वो अगर इनका वो सिस्टम देखा जाए तो ये है कि ये बाकायदा अपने डब्बों के पास बैठे रहे हैं, हिलने नहीं दिया उन्होंने किसी को, तो भाई लोगों ने इन्हें डब्बों के पास रहने दिया ना, हमें तो पोलिंग एजेंट ही निकाल देते थे, ये
हमारा तो पोलिंग एजेंट निकाल दिया था 2018 में, टेक्निकली तो आप खुद सोचे कि जहां ये जीते जहां ये जीते वहां सब सही हुआ है। ठीक है, यहाँ में कहते हैं वहां सब सही हुआ है, जहां पे 97 बिलियन से कर्जा इन्होंने 1000 बिलियन पे पहुंचा दिया वहां सब सही हुआ है। तो अब इलेक्शन कमीशन ठीक था, मैं ना सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ। देखिए जो 2018 में इलेक्शन से पहले कोई 6-7 महीने पहले हमारे गिलगित में गांछे से हमारे इंजीनियर इस्माइल हैं, 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको जीता हुआ करार दिया। ठीक, मतलब 4.5 साल तो आप असेंबली चलने देते हैं। आप अगर ये बात करेंगे तो कि मैं फलां को सियासी जमात नहीं मानता, तो भाई आपके लिए तो ये कहा गया है कि हमारी गलती ये थी कि हमने इनको बनाया था, लेकिन जब हम निकलने लगे तो इनके जो थे सपोर्टर्स उनको नहीं लेकर आए। तो आपका तो पता है, आपके लिए तो जैनुल इस्लाम का जो है वीडियो क्लिप वायरल हुआ था कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए क्योंकि हम 2 को आजमा चुके थे। फर्स्ट ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टीज फिर कहां से हुए, फर्स्ट ऑप्शन बन चुके हैं, सबसे ज्यादा सीटें आज भी इनकी कौमी असेंबली में। देखिए हैं तो फिर ये हुकूमत बना ले, वो पीपल्स पार्टी के पास बैठना पड़ेगा इनको, तो जिसके पास भी बैठना पड़े। हमने तो पहले ही कह दिया था इलेक्शन से पहले कि आप हमें दे सकते हैं, तो पार्टी नहीं मानते हैं। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्टी मानते हैं आप या नहीं? नहीं, हमें इनके मनवाने की जरूरत नहीं है ना, उसे तो दे एक को नहीं मानते, इनको भी नहीं मानते, जरूरत है कौन सी पाकिस्तान पार्टी? वो ये खुद भी पहले भी पीपल्स पार्टी, अब इन्होंने जब देखा तो ये लोटे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी, कौन है पीपल्स पार्टी? एक है सर जरदारी, एक बिलावल सर, जिसने वोट लिए जो होने का मौका मिला है ना, इनको पता ही नहीं कि पार्लियामेंटेरियन कैसे बनी, इनको पता ही नहीं कि कैसे हमें बाहर रखा गया, इनको इतराज है, इनको इतराज था कि जरदारी साहब को सदर क्यों बना रहे। ओ भाई आप जैसे लोग भाग गए, वो तो 11.5 साल जेल में रहे, वो 11.5 साल जेल में रहे। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कहते थे हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर इलेक्शन भी लड़ा, फिर 2002 में उसका हिस्सा भी बने, और 5 साल सिस्टम पे बिलीव करते हैं ना जैसा वो जी। इलेक्शन आप आवाम से कैसे दूर रह सकते हैं? आप तनकीद भी करते हैं, आवाम से कैसे दूर रह सकते हैं? आप एहतजाज करें तो जायज है, हम एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज पे आपको मना नहीं कर रहे, जमहूरी हक है आपका, आप लोगों ने हमारा भी हक है, हम तो कह रहे हैं जमहूरी हक है, इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी जमहूरी हक कर रहे हैं। मिर्जापुर साहब क्यों नहीं आ सकते? आदाब भी है, चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, कहां गए? अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते तो नून लीग जमात होती, अगर तो फिर PDM2 के फिर PDM2 पे आगे स्टैंड करना था। सर आपने आपने इत्तेहादियों के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, इनके हाथ तो जब भी इलेक्शन हुआ कभी जस्टिस वजी निकले, कभी कोई निकला, कभी इंटरनल इलेक्शन जमात मान ले, फिर कैसे जमात मान ले? सेकंड रह गए, वैसे अली मिन गंडापुर साहब को आना नहीं चाहिए था इस्लामाबाद? जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, अच्छा किया उन्होंने। ओ भाई क्या करो, इसका आप फेडरल को नहीं मानते? फिर हम वजीर आजम को नहीं मानते, हम शहबाज शरीफ के बावजूद वो वजीर आजम है, शहबाज शरीफ को नहीं मानते। देखे उस प्रोसेस में हिस्सा लिया, हार गए, ठीक है ठीक है। वैसे वजीर आजम फेडरल का ही होता है, पार्टिसिपेट किया उस इलेक्शन में, हार गए तो नहीं। आपने गुतु सुनी, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके लिए खाना गुजर किसी मुसीबत रखे।